जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय श्री राधे अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए, महाकाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य ही बरसेंगी। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको सूर्य के राशि परिवर्तन से होने वाले राशि परिवर्तन और उनके शुभ अशुभ प्रभाव के बारे में विस्तार से बताऊंगा। ज्योतिष की माने तो ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन अर्थ, व्यवसाय और विवाह संबंध में भी होता है। तो इन्हीं के आधार पर आज मैं आपको सूर्य के राशि परिवर्तन से, सूर्य के गोचर होने से उन चार राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके विवाह के योग जो है अप्रैल में बन रहे हैं और सगाई 30 दिनों में अवश्य ही हो जाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके कारण क्या है और इसके निवारण क्या है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अब आप केपी की वाणी से शादी की कुंडली भी बनवा सकते हैं। इसमें आपको शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी विस्तार पूर्वक दी जाती है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो कुंडली के हिसाब से लव मैरिज के योग हैं या नहीं, ससुराल में घर द्वार कैसे होंगे, ससुराल के लोग कैसे होंगे, पति का स्वभाव कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, यह सभी जानकारी आप मौखिक और लिखित दोनों प्रारूपों से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मामूली फीस ली जाती है। तो आपको बता दें कि अब आप केपी की वाणी से व्हाट्सएप और फोन कॉल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8521835670। नंबर आपको एक बार और दोहरा देता हूं, 8521835670। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया है तो आप वीडियो को स्क्रॉल कर नीचे आए और आराम से नंबर नोट कर सकते हैं। आपको बता दें कि विवाह हेतु सभी जानकारी चंद्र और लग्न कुंडली के आधार पर दी जाती है। वर्तमान समय में ज्योतिष चार कुंडली के आधार पर जानकारी देते हैं। इनमें लग्न, चंद्र, चलित और नवमांश कुंडली प्रचलित है। वहीं अगर आपकी शादी तय हो चुकी है या तय होने वाली है तो आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। ज्योतिषों की माने तो नारी दोष, भकुर दोष और मांगलिक बलि होने पर शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में शादी के उपरांत वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती है। वहीं आप रोजगार से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से भी कुंडली मिलान करा सकते हैं, अन्यथा केपी की वाणी पर आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी कुंडली मिलान कर। तो यह तो केपी की वाणी की सेवाओं के बारे में जानकारी है। आइए अब आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको पूर्ण जानकारी देते हैं। तो जगत के ऊर्जा स्रोत सूर्य देव को ज्योतिष शास्त्र में आत्मा का कारक माना गया है। वैदिक ज्योतिष में सभी नौ ग्रहों में सूर्य को राजा का दर्जा प्राप्त है। सूर्य तुला राशि में नीच व मेष राशि में उच्च होते हैं। ज्योतिषों की माने तो पुरुष की कुंडली में सूर्य पिता के कारक माने जाते हैं, वहीं महिला की कुंडली में सूर्य पति के कारक माने जाते हैं। सूर्य देव जब राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका असर सभी राशि के जातकों पर देखने को मिलता है। तो सूर्य देव जो है 15 मार्च 2022 को राशि बदल रहे हैं। इससे पूर्व सूर्य जो है वो कुंभ राशि में विराजमान है और कल से यानी 15 मार्च से जो है ये मीन राशि में गोचर करेंगे और कुल मिलाकर 30 दिनों तक जो है मीन राशि में ही रहेंगे। तो सूर्य का गोचर दिन के समय 12:31 पर मीन राशि में होने वाला है।
इसके बाद जो है 14 अप्रैल की सुबह 8:56 तक सूर्य जो है मीन राशि में ही रहेंगे और फिर मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो सूर्य का मीन राशि में प्रवेश करना मीन संक्रांति कहलाएगा। सूर्य जब किसी एक राशि में परिवर्तन करते हैं तो उसे संक्रांति कहा जाता है और जिस राशि में प्रवेश करते हैं उसके अनुरूप उस संक्रांति का नाम दिया जाता है। तो सूर्य चूंकि मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो इसे मीन संक्रांति कहा जाएगा। तो कुल मिलाकर 30 दिनों तक जो है सूर्य देव मीन राशि में ही रहेंगे। इस वजह से जो है सूर्य देव के राशि परिवर्तन करने से, सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करने से चार राशियों के विवाह के योग बन रहे हैं। वो कौन कौन सी राशियां हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गुरु जो है वो 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में प्रवेश करेंगे और कुल मिलाकर 1 साल 9 दिनों तक मीन राशि में ही रहेंगे। इस वजह से मीन राशि के जातकों के लिए कल से जो है कुल मिलाकर 1 साल 9 दिनों तक जो है विवाह के प्रबल योग है। चूंकि सूर्य जब मीन राशि या धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो खरमास लगता है, इसके चलते जो है कि अभी गुरु का प्रभाव क्षीण हो जाएगा और इस दौरान शादी नहीं होगी। खरमास के दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। लेकिन जब सूर्य मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो मीन राशि के जातकों की तब तक शादी तय हो सकती है और फिर तय होने के बाद अप्रैल में सगाई और शादी संपन्न भी हो जाएगी। तो कल से जो है फोन आ सकता है, रिश्तेदार के संबंध आपसे नजदीकी बढ़ सकती है। वही 14 अप्रैल के बाद जो है विवाह के प्रबल योग है। यह योग 30 अब तक है और जब मीन राशि में गुरु का प्रवेश हो जाएगा तो फिर मीन राशि के जातकों के लिए 22 अप्रैल 2023 तक जो है विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। तो आइए अब उन राशियों के बारे में जान लेते हैं जिनके विवाह के योग बन रहे हैं। हालांकि इस वीडियो में आपको एक जानकारी अवश्य देना चाहूंगा कि यह जानकारी आपको चंद्र कुंडली के आधार पर और चंद्र राशि के आधार पर दी जाती है। अगर आप नाम के अनुसार से राशि के आधार पर यह वीडियो देखते हैं तो इसमें संदेह है कि आपके और राशि के परिणाम एक जैसे होंगे। इसके लिए आप अपनी कुंडली का अवलोकन अवश्य करा लें और चंद्र राशि अवश्य ज्ञात कर लें। यह जानकारी आपको चंद्र राशि के आधार पर दी जा रही है, यानी चंद्र राशि के आधार पर जिन जातकों की राशि इनमें से एक होगी उनके विवाह के योग बन रहे हैं। इसके अलावा अगर उनकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है तब यह योग बनेंगे। तो आप इसे आसान शब्दों में इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपकी चंद्र राशि इनमें से एक है, इनमें से किसी एक राशि की है, तो फिर आपके विवाह के योग हैं। आइए अब उन राशियों के बारे में जान लेते हैं। तो गुरु पूर्व से ही कुंभ राशि में विराजमान है और कुंभ राशि में विराजमान होने के चलते सिंह राशि के जातकों के भी योग बन रहे हैं। तो सिंह राशि के जातक जिनकी आयु 26 वर्ष से अधिक है और उनकी शादी नहीं हुई है तो उनके विवाह के योग अप्रैल में 100% बन रहे हैं। अगर आप सिंह राशि के जातक है तो सिंह विवाह के लिए हर सोमवार और शनिवार को शिव जी को जल में काले तिल मिलाकर अर्घ दे। इससे काल सर्प दोष, राहु केतु का दोष और शनि का दोष प्रभाव कम हो जाता है। तो सिंह राशि के जातकों के अप्रैल में 100% विवाह के योग बन रहे हैं। विवाह MKS में से किसी एक जातक से होने की संभावना सबसे अधिक है। अगला नाम अक्षर मकर राशि का है, यानी कि जे नाम का है। तो वर्तमान में जो है शुक्र का गोचर हो रखा है और 30 मार्च तक जो है शुक्र जो है वो मकर राशि में ही रहेंगे। तो मकर राशि के जातकों के विवाह के प्रबल योग है। चूंकि मकर राशि के जातकों पर अभी 7.5 चल रही है, हालांकि शुक्र के गोचर से उसका प्रभाव कम हुआ है और मकर राशि के लड़कों के विवाह के योग बन रहे हैं। अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो शीघ्र विवाह के लिए जल में रोली मिलाकर सूर्य देव को अर्घ दे। इससे सूर्य मजबूत होगा, इससे ना केवल कैरियर में आ रही सभी बाधा समाप्त हो जाएगी बल्कि शादी में आ रही भी सब जो भी बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाएगी। तो विवाह जो है PRA नाम में से किसी एक जातक से होने की संभावना बन रही है। अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो अवश्य ही शिव जी की पूजा करें, क्योंकि आपके राशि स्वामी शनिदेव हैं और आराध्य देव भगवान
शिव जी है, तो इनकी पूजा अवश्य ही करें। अगली राशि कुंभ है, तो कुंभ राशि के जातक के भी राशि स्वामी शनिदेव हैं और आराध्य देव शिव जी है। तो अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं, शनिदेव की पूजा करते हैं, तो शीघ्र विवाह के योग बनने लगेंगे। वर्तमान समय में गुरु जो है कुंभ राशि में ही उपस्थित है, तो कुंभ राशि की लड़कियों के विवाह के प्रबल योग हैं। लड़कियों की शादी के कारक जो हैं गुरु माने जाते हैं। गुरु के मजबूत रहने से शादी शीघ्र हो जाती है, अगर गुरु कमजोर हो तो शादी में देर होती है। तो कुंभ राशि के जातकों के विवाह के प्रबल योग है। विवाह जो है PRA नाम में से किसी एक जातक से होने की संभावना बन रही है। शीघ्र विवाह के लिए क्या करें? शीघ्र विवाह के लिए हर सोमवार को शिवजी की पूजा करें, शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, कच्चा दूध चढ़ाएं, साथ ही जल में काले तिल मिलाकर अर्घ देना भी श्रेष्ठ कर होता है। तो आप अगर कुंभ राशि के जातक हैं तो शीघ्र विवाह के लिए इन उपायों को अवश्य करें। वहीं लड़कियां भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें, जल में हल्दी मिलाकर हर गुरुवार को केले के वृक्ष में जल का अर्घ दे। वहीं रोजाना जल में हल्दी मिलाकर स्नान करना भी श्रेष्ठ कर होता है। उत्तर पश्चिम में सिर रखकर सोए और कमरे में राधा कृष्ण की तस्वीर अवश्य लगाए। लड़के पूर्व की दिशा में सिर रखकर सोए तो विवाह के योग बनने लगते हैं। अंतिम राशि मीन राशि है, तो कल से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक जो है मीन राशि के जातकों के लिए शुभ योग है। इस दौरान शादी निश्चित ही हो जाएगी मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों का नाम अक्षर डी से शुरू होता है, तो अगर आपकी राशि मीन है, नाम अक्षर डी से शुरू होता है, तो विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। विवाह जो है SGV नाम में से किसी एक जातक से होने की संभावना अधिक है। शीघ्र विवाह के लिए क्या करें? तो तुलसी के पौधे के नीचे घी के दीपक जलाए, यह श्रेष्ठ कर और फलदायक रहने वाला है। तो अगर आप मीन राशि के जातक हैं, तो आप इन उपायों को अवश्य करें, आपके विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको उन चार राशियों के बारे में बताया जिनके विवाह के योग सूर्य के राशि परिवर्तन से बनने वाले हैं। उनकी शादी 30 दिनों में सगाई होगी और शादी अप्रैल में 100% होके रहेगी और कल से जो है रिश्ते की बातचीत शुरू हो सकती है। तो ये चार राशियां आपको मैंने बताई है, सी मकर, कुंभ और मीन है। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों और ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु ही लें। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं, तो इसके आप स्वयं जिम्मेवार। आप चाहे तो KP के बारे में संपर्क करें, अन्यथा अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली दिखाकर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सौ परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। आप जहाँ रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे, परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु।